आज के दिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर कि 2 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है, खाने पीने का भी असुविधा हो रहा है, राशन दुकान वाला बोल रहा है कि पैसा दीजिएगा तो राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कल से, मतलब कि खाना पीना भी नहीं खाए हैं, और अभी आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग का 2 महीना का पेमेंट मिले, खाने पीने का भी सुविधा मिले। मैनेजमेंट तो बोल रहा है सर कि हम मालिक को बोल दिया है, मालिक मतलब कि जानेगा, हम कुछ नहीं जाने। हम लोग का अभी खाने पीने का भी सुविधा होना चाहिए, और प्लस पेमेंट के लिए तो पहले होना चाहिए सर। नहीं दिया तो आत्महत्या करेगा आदमी, भूखले मरेगा, इससे क्या, इससे ज्यादा उपाय तो कोई है नहीं। नहीं पेमेंट देगा तो ठीक बोला, भूखे तो मरेगा आदमी, क्या करेगा, आत्महत्या करने पर मजबूर होगा आदमी। मेरा नाम संतोष कुमार यादव, आरा जिला से है। 23 तारीखे কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটু আলোচনা হয়েছিল যে আমাদের মার্চ মাসের বেতন দিয়ে দেওয়া হবে। মার্চ মাসের 22 তারিখ থেকে তো লকডাউন ঘোষণা হয়েছিল, হ্যাঁ, ততদিন আমরা 23-24 তারিখ পর্যন্ত কাজ করে গেছি, হ্যাঁ, তো আজ পর্যন্ত মার্চ মাসের বেতন অর্থাৎ এপ্রিল মাস গত হয়ে গেল, আজ 1 মে। আমাদের শ্রমিক, আমাদের সব কন্ট্রাক্টর বেশি শ্রমিক তো, কোনো কন্ট্রাক্টরের 300, কোনো কন্ট্রাক্টরের 150, কোনো কন্ট্রাক্টরের 250, এরম করে প্রায় 1,200 শ্রমিক আছে। হ্যাঁ, আমাদের রক্ত জল করে ঘাম ধরিয়ে আমাদের এই কারখানার আজকে এতটা উন্নতি। হ্যাঁ, আমরা একদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে এসেছি সামান্য 35-45 টাকা মজুরি নিয়ে। হ্যাঁ, আজ যদি আমাদের এই দুঃসময়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ না দেখে তাহলে আমাদেরকে কে দেখবে, আমরা কি খেয়ে বাঁচবো? অবাঙালি যারা শ্রমিক আছে এখানে বসবাস করছে কলোনিতে, তাদের দিনপাত করা মুশকিল হয়ে গেছে, তারা অসহায় অবস্থায় আছে। আমার নাম তীর্থপ্রসাদ বীর। हम लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं और बंगाल में काम करते हैं, बंगाल का भी आदमी यहाँ काम कर रहा है लोग, और हम लोग कौन कास्ट बंगाल इंडस्ट्री में बाकुरा गुरंडी मोड़ में काम करते हैं, और हम लोग से को 2 महीना का सैलरी नहीं मिला है, मार्च और अप्रैल, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मालिक रात खानी सरिया बेचते हैं और बोलते हैं कि पैसा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिल रहा है। हम लोग कल से बिना पानी उनी खाए हुए अभी तक प्यासे पड़े हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग का एक पैसा नहीं मिला है मार्च अप्रैल का, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। बताइए, 2 महीना सैलरी हो गया मार्च अप्रैल, माने मतलब होता है मजदूर के लिए। इस पर सरकार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं किया है, राशन वाला राशन हम लोग को बंद कर दिया है, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो अभी मार्च अप्रैल का 2 माह का वेतन चाहिए। दिलीप यादव है। পেমেন্টের জন্য দেখতে পাচ্ছি সব লেবার এসছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, ম্যানেজমেন্ট কেউ নেই, আগে আসছিলো আজকে আসেনি। হ্যাঁ, পেমেন্ট হবে বলছে, ওটা তো কোম্পানির ব্যাপার, আমরা কী বলবো, আজকে এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি। ওর লেবার বল, কোম্পানি বলছে পেমেন্ট দেওয়া হবে। অভিরাম পাল।